तो हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा सकती है। इस कहानी में अंकित को मिले थे कुछ ऐसे पड़ोसी कि अंकित समझ नहीं पा रहा था कि वो साधारण है या कुछ अजीब है। हम सबको ऐसे पड़ोसी मिलते हैं जो थोड़े से अजीब होते हैं। हर किसी का अपने पड़ोसी से थोड़ा झगड़ा तो होता ही है, लेकिन अंकित का झगड़ा अपने ऐसे पड़ोसियों से हुआ था जो काला जादू जानते थे। इसके बाद अंकित के साथ क्या क्या हुआ आपको इस कहानी में जानने को मिलेगा। और दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही खौफनाक और डरावनी है, मेरा यकीन कीजिए आपको अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है अंकित नाम के लड़के की, जो कि गुजरात के राजकोट शहर का रहने वाला था। अब राजकोट में वो 4 साल पहले आया था और यहीं का होकर रह गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो पूरा दिन काम किया करता था। थोड़ा आलसी था लेकिन समझदार भी था। उसे पता था, पूरा दिन अगर मैं कहीं नौकरी करता रहूंगा तो मेरी जिंदगी इसी तरह से बंद जाएगी और मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। तो वो ऐसा काम ढूंढा करता था जिसमें वो घर रहकर भी वो काम कर पाए। कभी LIC ऑफिसर बन जाना, कभी अकाउंट ओपनिंग करना, घूमकर फिरकर जब उसका मन करे तब वो काम करना चाहता था, जिस दिन छुट्टी करना चाहे वो छुट्टी किया करता था। ऐसे काम ढूंढा करता, और कुछ रुपए जोड़ने के बाद वो स्टॉक मार्केट का काम भी करने लगा था, ट्रेडिंग करने लगा था। तो वो भी वो घर रहकर काम किया करता था। 4 सालों से वो यहीं पर था और धीरे धीरे तरक्की कर रहा था, यानी अपने गुजारे के लिए रुपए कमा लेता था। अब ट्रेडिंग करके भी वो काफ़ी कमाई किया करता था, लेकिन उसका जो स्वभाव था ना, वो भी काफ़ी अलग था। वो ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करता था। काम के लिए लोगों के सामने कई बार उसे मिन्नतें करनी पड़ती कि ये वाली पॉलिसी आई है, बड़ी अच्छी है, ये ले लीजिए। अब काम खत्म होने के बाद वो किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता और घर आकर अपनी पूरी थकान मिटाता और सोचा करता, क्या सारी उम्र मुझे ऐसा करना पड़ेगा। उसे लोगों से बात करना पसंद नहीं था, अकेला रहना पसंद था। उसे लगा करता था कि सारी दुनिया बेवकूफ़ है, जो मैं सोचता हूँ वैसा वो नहीं सोचते, और मैं लोगों से काम की बात करता हूँ वो कहानियाँ सुनाने लगते हैं जिंदगी की, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इससे वो बोर हो जाया करता था। इस बार वो एक नई जगह किराए के मकान पर रहना शुरू हो गया, जहाँ पर 2-3 दिन वो लगभग कमरे के अंदर रहा। पूरा दिन अपने उस कमरे से बाहर नहीं निकला, जबकि वो जो मकान मालिक था ना, वो हफ्ते में 1-2 बार वहाँ पर आया करता था और उसने बातों बातों में पता कर लिया था कि अंकित क्या काम करता है, और बातों में उसे लगा था कि ये भरोसेमंद लड़का लगता है। अब ये जो घर था ना, यहाँ कई कमरे बने हुए थे और उन कमरों में कई किराएदार भी रहते थे। चौल की तरह बना हुआ था, जबकि जो छत थी काफ़ी बड़ी थी। कह सकते हैं कि कई मकान जुड़े हुए जहां पर कोई नहीं रहता था, उनकी छतें भी जुड़ी हुई थी। 2 दिन तक घर के अंदर रहने के बाद अंकित को लगने लगा बाहर जाने का तो मन नहीं होता, और ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी हुआ था, तो उसे लगा कुछ दिन मैं बाहर जाऊँगा भी नहीं, किसी से मिलूँगा नहीं, अकेले रहूँगा। वहाँ कई आसपास कमरे बने हुए थे, वहाँ पर भी कुछ लड़के लड़कियाँ रहते थे, लेकिन वो किसी से बात नहीं करता, बस सर हिलाता। जब बाहर निकल जाता, कुछ लोग उसे मिलते कि तुम यहाँ नए रहने के लिए आए हो, वो सर हिलाकर आगे बढ़ जाता। पसंद नहीं था उसे ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना। लेकिन 2 दिन तक कमरे के अंदर रहने के बाद उसे लगा कि अब मुझे बाहर तो निकलना होगा ना। रात के वक्त थोड़ा सा मायूस था, थोड़ा सा उदास था, तो उसे लगा छत पर घूम कर आता हूँ। जब छत पर पहुँचा तब उसे पता लगा कि भाई छत बहुत ज़्यादा बड़ी है, यहाँ मैं आराम से घूम सकता हूँ, काफ़ी दूर तक जा सकता हूँ। ये बिल्कुल किसी पार्क में सैर करने के बराबर था। तो छत पर वो टहलने लगा। अब यहाँ से उसने देखा ना कि दूर दूर तक देखा जा सकता है, कई गलियां थी क्योंकि काफ़ी बड़ा था वो इलाका। छत पर घूमते घूमते कभी दाईं तरफ जाता, बाईं तरफ जाता, कॉर्नर में चला जाता, आगे वाले घर देखता, कहीं बड़े घर बने हुए थे, कहीं छोटी गलियां थी, वहीं ऊपर से छत से देखा जा सकता था। अब रात के वक्त 1 घंटा वो घूमता रहा, फिर एक कॉर्नर में जैसे ईंटों के ऊपर बैठ गया, नीचे वाली गली की तरफ देखने लगा। तब उसने देखा कि एक वहाँ घर था,
जिसके बाहर एक बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलकर निकला। अब अंकित वैसे ही नीचे देखता गया। वो बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा घबराया हुआ और अंकित लोगों की नजरें पहचान जाया करता था, ओवरथिंकर था, पहले ही भांप लेता था कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है। तो उसे लगा कि ये बूढ़ा आदमी इतना घबराया हुआ क्यों है, और उसने एक बैग था जो ऐसे पकड़ा हुआ, इतनी जोर से पकड़ा था जैसे उसमें कोई कीमती चीज हो या ऐसी चीज हो, वो नहीं चाहता था कि कोई देखे। उस बूढ़े आदमी ने ऐसे पकड़ा हुआ, ऊपर से कंबल ले लिया जो उसकी बीवी ने ऐसे ओढ़ दिया। बूढ़ी औरत थी, थोड़ा बाहर निकली, उसके बाद घर के अंदर चली गई, दरवाजा कर दिया बंद। और वो जो बूढ़ा आदमी था ना, घबराते घबराते ऐसे ऐसे देख रहा कि कोई उसे देख ना ले, छिप कर कंबल लेकर वहां से निकल गया। और इस बात का पता अंकित को लग गया था कि ये बूढ़ा आदमी सही नहीं लगता, काफी अजीब लगता है। लेकिन अंकित क्या कर सकता था, हर किसी की प्राइवेसी होती है, हो सकता है कोई गहने हो, वो नहीं चाहता हो कि कोई देखे, कहीं कोई लूट ना ले, कई लोग बहुत ज्यादा शंका करते हैं। तो अंकित ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, अंकित वहीं पर बैठा रहा। अब अंकित जब एक जगह बैठता था ना तो कुछ सोचता रहता, घंटों बीत जाते थे और कई बार रात को उसको नींद नहीं आती, क्योंकि भाई पूरा दिन वो सोया करता था, तो रात को नींद कैसे आती, रात को जागता था, दिन के वक्त सोया करता, जब उठता ट्रेडिंग के लिए टाइम निकालता या बाकी काम था जो घर से कर लिया करता था, फिर सो जाया करता था, और रात को उसे नींद नहीं आती, जिससे वो थोड़ा परेशान भी रहता था। दो घंटे वो वहीं पर बैठा था, उसने दो घंटे बाद देखा कि वो बूढ़ा आदमी भागा भागा आया, घर के अंदर चला गया, जिसके बाद घर के अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी, जैसे झगड़ने की आवाज़ें हों, लेकिन ऊपर वाले कमरे से आ रही थी, और वो छत पर चढ़ा हुआ तो उसे सुनाई दे रही, लेकिन दूर दूर तक वो आवाज़ें नहीं जा रही होंगी। उसने सुनने की कोशिश की कि किस बात पर झगड़ा हो रहा है, लेकिन ज़्यादा साफ आवाज़ नहीं थी, तो वो थोड़ा चुप रहा। उसके बाद उसने देखा कि वही बूढ़ा आदमी फिर से दरवाज़ा खोलकर इधर उधर झांकने लगा, घर के बाहर वाला ऐसे देखने लगा कि कोई वहां पर मौजूद तो नहीं, इधर उधर अच्छे से देखा, जिसके बाद फिर से दरवाजा बंद करके वो अंदर चला गया। अंकित अब देखे जा रहा था कि भाई ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। अंकित देखता रहा, वो बूढ़ा आदमी इस बार बाहर निकला, फिर से उसने एक सफेद रंग का थैला जिसमें कुछ डाला हुआ था उसे ऐसे पकड़ा और बाहर की तरफ आया। उसकी जो बीवी थी ना, उसने कंबल पीछे पकड़ा हुआ, वो आदमी तो ऐसे पकड़ कर रखे हुए था, तो बीवी ने बाहर निकलते ही ऊपर कंबल डाल दिया। उसके बाद बीवी ने बड़ी जल्दी दरवाज़ा बंद किया, और उसकी बीवी से हो गई एक गलती कि कंबल जो था ना, दरवाज़ा बंद करते वक्त कंबल फंस गया दरवाजे में, तो वो बूढ़ा आदमी थोड़ा आगे गया तो कंबल वहीं फंसा था, पीछे रह गया। वो जल्दबाजी में आगे बढ़ रहा था तो ऐसे कंबल पीछे रह गया, तो वो जो थैला था ना वो भी हाथ से थोड़ा फिसला, नीचे गिरा थैला, और थैले से कुछ चीज़ें बाहर की तरफ गिरी। साफ साफ अंकित देख पा रहा था कि वो चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले तो बालों के गुच्छे, बहुत ज़्यादा बाल वहाँ गिरे, काले रंग के बाल थे, छोटे छोटे जैसे बिखर गए। उसने जल्दी से बाल समेटे, थैले में डाले, और उसके साथ एक और चीज़ गिरी थी, वो थी माला, हड्डियों की माला। ऐसा था जैसे छोटी सी पतली नायलॉन की रस्सी में हड्डियों को पिरोया गया हो। अब ये छोटी बड़ी कई तरह की हड्डियां थी, और अंकित को पहचान नहीं थी कि ये हड्डियां किस जानवर की हो सकती हैं, इंसानी भी हो सकती हैं, ज़्यादा उसे कुछ पता नहीं लगा। लेकिन कोई ऐसे थैले में रखकर और काले बालों को कहाँ ले जा रहा होगा, जबकि उसने ध्यान दिया था कि वो बूढ़ा आदमी जो था ना उसके बाल सफ़ेद थे, उसकी जो बीवी थी उसके बाल भी सफ़ेद थे, यानी ये बाल इनके तो नहीं थे, और छोटे छोटे थे, जैसे काटे गए हों, जैसे बार शॉप में कटे हुए बाल होते हैं ना, वैसे बाल थे। अंकित सोचता रह गया, और वो आदमी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ, थैला उसने ऐसे लपेटा, खींचा पीछे से कंबल, ऐसे लपेट लिया उस चीज़ पर, वो थैले के ऊपर, ताकि कोई उस थैले को ना देखे, जल्दी से वहाँ से भागा। अब अंकित को शक होने लगा कि भाई ये दंपत्ति, बूढ़ा आदमी, उसकी वो बीवी होगी, ये कुछ ना कुछ तो करते हैं, गलत लगते हैं, क्रिमिनल लगते हैं, छिपकर कुछ कर रहे होंगे, लेकिन मैं पूछूं तो किससे पूछूं, उसे बात करना पसंद नहीं था, मन की कोई बात भी होती किसी अनजान से नहीं करता, और उसे तो मकान मालिक तक अनजान लगता था,
उससे भी वो बात नहीं करता था और यहाँ भी उसने उतना ही पूछा था जितने की ज़रूरत थी। मकान मालिक से कुछ बातें की और उसके बाद बस सर हिलाया करता था, कुछ परेशानी भी हो खुद ही निपटा करता था, जैसे घर में सीलन आना, कोई चीज़ का खराब हो जाना, खुद ठीक किया करता था, किसी और को बताता तक नहीं था। घर की ऐसी चीज़ों की रिपेयर भी खुद करता था ताकि इलेक्ट्रीशियन को बताना ना पड़े, बुलाना ना पड़े। ये चीज़ के बारे में वो किसी को क्या बताता, बस सोच में पड़ा हुआ। करे तो करे क्या, फिर सोचा कि वो कर भी क्या सकता है। ये कहकर वो कमरे के अंदर चला गया, कुछ समय इसके बारे में सोचता रहा। एक घंटे तक उसे नींद नहीं आई, उसके बाद वो सो गया। अगले दिन भी घर में ही काम करना था तो वो काम करता रहा और उसके बारे में सोचता रहा। फिर बाहर से कुछ राशन लेकर आना था, वो सामान लेकर आया। कुछ कस्टमर से बात करनी थी, मिलना था, इसके बारे में समझाना था। जो कॉन्टैक्ट्स उसे मिले थे उनसे बात की। इस तरह से दिन निकला और रात के वक्त छत पर सैर करना वो फिर से चाहता था। उसे अब कल की बात याद तक नहीं थी, लेकिन छत पर चढ़ा अचानक याद आया, देखता हूँ उस तरफ, वो घर में वो बूढ़ा आदमी और उसकी बीवी करते क्या हैं भाई, कल हड्डियाँ नीचे गिरी हुई थी, देखे तो सही करते क्या हैं। छत पर चढ़ गया अंकित, कॉर्नर में जाकर नीचे की तरफ देखने लगा। अब आधा थड़ बाहर की तरफ निकाला था, वो नहीं चाहता था कि उन्हें पता लगे कि कोई झांक कर ये देख रहा है कि वो करते क्या हैं। और अंकित ने एक खास चीज़ नोटिस की थी, कई गलियां थी, अब उस तरफ वाली वो जो गली थी ना, वहाँ कई घर बने हुए। अब ज़्यादातर जो घर थे ना, पीछे वाली वो दीवार गली की तरफ थी, यानी वो घर होंगे ना दूसरी गली के साथ भी जुड़ते होंगे और वहाँ गेट या दरवाजे घर के होंगे। इस तरफ तो ज़्यादातर घरों के दरवाजे नहीं थे, आगे वाले घरों के थे, तो उस घर में क्या हो रहा है कोई आस पड़ोस वाला पूछता भी नहीं होगा। अंकित वहाँ पर नीचे की तरफ झांक रहा, अब उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी फिर से बाहर की तरफ निकला। बाहर निकलने के बाद ना उसके हाथ में एक कटोरा था, कटोरे में कुछ था जो गहरे काले रंग का या नीले रंग का होगा। ऐसे कटोरा पकड़कर पहले वो इधर उधर झांकने लगा कि कोई गली में तो नहीं है, फिर वो अंदर गया। फिर उसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला और वो भी झांकती रही, और झांकते झांकते उसकी बीवी ने ना ऐसे इशारा किया तो जल्दी से दरवाज़ा खोला, और उसके बाद वो जो बूढ़ा आदमी था बाहर की तरफ आया, ऐसे कटोरा हाथ में पकड़े घबराए हुए चलता चलता गया। काफ़ी आगे जाकर एक पड़ोसी था जिनकी पीछे वाली दीवार थी सफ़ेद रंग का पेंट किया हुआ, उसके नीचे ना काले रंग से कुछ गोल ऐसे सर्कल बनाया, ऐसे कुछ किया और जेब से कोई चीज़ें थी निकालकर वहाँ नीचे रख दी, भागता हुआ आया वापस, उसके बाद घर के अंदर चला गया। अब अंकित सोच में पड़ा हुआ घूमकर उस तरफ गया कि दीवार पर क्या बनाया है, देखने लगा तो दीवार पर उसने देखा कि ऐसे कई निशान और बने हुए थे, ऐसा ही एक और निशान उसने बना डाला था। अब नीचे कुछ चीज़ें रखी थी, मिर्ची नींबू वगैरह, ये रखकर वो बूढ़ा आदमी भाग गया। और अब अंकित को पक्का था कि भाई ये काला जादू करते हैं, ये दोनों पति पत्नी ना बूढ़े हैं और सठिया गए हैं, ऐसी हरकतें करते हैं, और यहाँ कोई लड़की लड़का उनका बेटा बच्चा कोई ऐसा भी नहीं देखा, और घर की जो हालत है ना उसे देखकर ऐसा भी लगता है कि शायद यहाँ उनके सिवा कोई और रहता भी नहीं। गली भी काफ़ी गंदी थी, नालियों का पानी बाहर की तरफ आया हुआ, कुछ कचरा उस तरफ फेंका हुआ था। अब उसे साफ था कि ये गली की सफाई तक नहीं करते, कोई इस तरफ नहीं आता, और ये दोनों भी सठियाए हुए हैं, मरने से पहले ऐसी हरकतें कर रहे हैं, मुस्कुराते हुए अंकित ने यह कहा था। अब वो रात उसने देखा कि वो पति पत्नी दोबारा बाहर तो नहीं आए, लेकिन अंदर से झगड़े की कुछ आवाज़ें आती रही, कुछ 3 से 4 कमरे होंगे अंदर। अब पर्दे थे, लाइट अंदर जल रही, अंदर वो झांक भी नहीं सकता था, तो 1-1.5 घंटा अंकित ऊपर रहा, देखने की कोशिश करता रहा, दोनों में से कोई बाहर नहीं आया। अब अगले दिन उसने फिर से देखा कि वो बूढ़ा आदमी बाहर की तरफ निकलता है, कुछ चीज़ें लेकर जाता है। अंकित ने सोचा कि वो देखे कि वो बूढ़ा आदमी कहाँ जाता है, तो अपने घर की वो छत जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी वहाँ से देखता रहा। बूढ़ा आदमी आगे वाली गली से निकलकर कहीं गया, और एक चीज़ वो करता था कि कुछ चीज़ें जो होती ना वो पकड़कर कहीं के घर के अंदर फेंक देता, दीवार पर कुछ लिख देता, ऐसी चीज़ें वो बूढ़ा आदमी करता जा रहा था। अंकित को यही मन में था कि ये काला जादू वगैरह कुछ करते हैं, कुछ ऐसा तो नहीं करते जो सही नहीं है, क्या मुझे किसी को बताना चाहिए। एक बार मन में आया पुलिस को बताऊं,
फिर उसने सोचा, नहीं ऐसा कुछ तो नहीं करते, पड़ोसियों को बताऊं। फिर उसे लगा बात करनी होगी और वो झिझकता था। उसने सोचा भाड़ में जाए, मुझे कौन सी परेशानी है, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ ना तो मैं बिल्कुल कुछ हरकत नहीं करूँगा। वो ऐसे उन्हें देखता कमरे के अंदर आ जाता। अब एक दिन वो छत पर चढ़ा हुआ, उसे आदत हो गई थी कि वो देखे तो सही कि दोनों पति पत्नी क्या कर रहे हैं, वो सठियाए बूढ़े क्या कर रहे हैं। उसके लिए ये मनोरंजन था, बिना किसी से बात किए अब वो देख सकता था कैसी हरकतें करते हैं, मजाक किया करता, खुद से बात किया करता कि आप पागल हैं, मैं भी जब सठिया जाऊंगा ऐसी हरकतें करूंगा। तो ये उसके लिए मनोरंजन था, जो मनोरंजन लेने के लिए वो छत पर चढ़ा करता और देखा करता। इस बार भी वो यही कर रहा था। तो उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी बाहर की तरफ निकला। अब उस बूढ़े आदमी के हाथ में ना कुछ था जो उसने कपड़े से लपेटा हुआ। अब कपड़े से उसने ऐसे लपेटा हुआ और उसके बाद जब आगे गया तो ध्यान दिया कि ऊपर की तरफ हड्डी निकली। अब इतनी बड़ी हड्डी थी, अंकित को यही लगा ये इंसानी हड्डी है, ये इंसानी हड्डी है, कहीं ये पति पत्नी कोई सीरियल किलर तो नहीं, पागल तो नहीं, कहीं ये लोगों को मारते वारते तो नहीं काले जादू से या ऐसा कुछ। तो अंकित थोड़ा सा डर चुका था। जैसे ही अंकित थोड़ा आगे गया ना, ऐसा हुआ कि अंकित से एक ईंट वहाँ छत पर पड़ी थी, तो जल्दी जल्दी जा रहा देखने के लिए, तो ईंट पर पैर लगा और थोड़ी आवाज़ हुई, वो ईंट एक तरफ थोड़ी गिरी होगी। अंकित घबरा गया, उसे पता तो नहीं लगा कि ऊपर कोई है, कोई देख रहा है। ऐसा बूढ़ा आदमी जो ध्यान देता है कोई देख नहीं रहा, ऊपर से आवाज़ आ जाए तो उसे लगेगा कोई छत से देख रहा होगा। अंकित नीचे छिप गया। तभी अंकित ऊपर की तरफ जब देखने लगा ना, नीचे ऐसे नीचे देखूं तो सही, सामने उसने देखा एक घर के ऊपर एक औरत चढ़ी हुई। उस औरत ने अंकित को देख लिया और ऐसे इशारा किया कि पीछे रहो पीछे रहो। अंकित ने ऐसे सर हिलाया और नीचे हो गया। दो बार अंकित ऊपर उठा, वो औरत ने कहा नीचे हो जाओ, अंकित नीचे हो गया। लगभग आधे घंटे बाद जैसे ही अंकित ने सर थोड़ा ऊपर किया, वो औरत ने कहा कि अब वो जा चुके हैं। अंकित ने धन्यवाद कहा। फिर वो औरत अंकित को बुलाने लगी कि नीचे आओ वो वाली गली में। अंकित कहने लगा नहीं कोई बात नहीं, अब मैं नीचे चलता हूँ। वो औरत ने कुछ इशारा किया कि खास बात है तुम्हें बतानी है, बार बार वो कह रही। तो अंकित को लगा अब ये परेशानी वाली बात है, ज़बरदस्ती वो बुला रही है। अब वैसे भी ये जो हो रहा है, हो सकता है उस औरत को पता हो, तो मैं उससे बात करता हूँ। अंकित गया वो आगे वाली गली से घूम कर, वो औरत घर से नीचे आई हुई थी। फिर वो अंकित को कहने लगी ध्यान रखना अपना, तुम्हें पता है वो बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी वो काला जादू करते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उन्हें बहुत सारे काले जादू आते हैं, अपना ध्यान रखना। अब वहाँ छत पर उन्हें ऐसे देखते मत रहना, मत आना छत पर। अंकित ने ऐसे सर हिला दिया कि ठीक है मैं नहीं आऊँगा। अंकित वापस घर चला गया। लेकिन ये मनोरंजन का साधन जो अंकित था वो छोड़ कैसे सकता था। तो अंकित अगली ही रात फिर से छत पर, लेकिन कल रात आवाज़ हुई थी तो वो बूढ़ा आदमी बड़ा चालाक था। उसने क्या किया, उसने सबसे पहले ना दरवाज़ा खोला, इधर उधर झांका, सामान लेकर बाहर जाने वाला था, उसकी पत्नी ने रोका कि रुकिए, वो अंदर आ गया, दरवाज़ा बंद कर दिया। अंकित ऐसे झांकता रहा, देखता रहा कि कब बाहर आते हैं कब बाहर आते हैं। वो ऊपर वाली मंजिल पर छत पर चढ़कर इस तरफ देखने लगे। अचानक अंकित ऐसे कर रहा था और जैसे ही नजर पड़ी ना कि वो छत पर चढ़े हुए हैं, ऐसे घबरा गया। दोनों पति पत्नी छत पर चढ़े हुए अंकित की तरफ देख रहे और बड़े गुस्से में, ऐसे गुस्से में देख रहे कि अंकित की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। घबराया वो, ऐसे नजरें इधर उधर की उसने और वापिस निकल आया। अब अंकित को पता था, उन्हें पता लग गया है अंकित छत पर चढ़ता है, देखता है वो क्या करते हैं, और अंकित को इस चीज़ से डर लगने लगा था। लेकिन अंकित को पता नहीं था, ये सिर्फ डरने वाली बात नहीं है कि उन्होंने देख लिया है, डरने वाली बात तो अब शुरू होने वाली थी। अगली रात अंकित छत पर चढ़ा, थोड़ा इधर उधर घूमा, मन मचलने लगा देखूं तो सही वो बूढ़ा आदमी क्या करता है, उसकी पत्नी क्या करती है, देख लिया है तो क्या हुआ, भाड़ में जाए मैं डरता हूँ, ये सोचा। उसे लग रहा था कि वो सठियाए हुए हैं, जबकि उस औरत ने सतर्क किया था। इसके बावजूद अंकित कॉर्नर की तरफ जा रहा,
जैसे ही कॉर्नर की तरफ जा रहा था, उसे एक औरत नजर आई उसी घर के छत के कॉर्नर में, जैसे उस तरफ झांक रही होगी। अंकित को लगा, यार ये औरत यहाँ कहाँ से आ गई, यहाँ तो मैं बैठता हूँ, नीचे की तरफ देखता हूँ, अब ये वहाँ बैठी हुई है। शायद इसे भी पता होगा कि वो बूढ़े दंपति, वो दोनों पति पत्नी क्या करते हैं। जैसे ही अंकित चलता चलता उस तरफ जा रहा, अब उसे लगा कि उससे बात करता हूँ, है कौन। करीब गया तो वो जो औरत थी जो भी कॉर्नर में बैठी हुई, छलांग लगा दी नीचे। अंकित भागा, भाई ये क्या पागल है क्या, नीचे किसी ने खींच लिया या गिर गई। अंकित ने जैसे ही नीचे देखा, अंकित के होश उड़ गए। जो दृश्य वो देख रहा था ना, वो बिल्कुल हिलाने वाला था। ऐसे नीचे देखा कि वो गिर गई होगी, अब चोट लगी होगी, एक मंजिल से गिरी है फिर भी चोट तो लगी होगी ना। नीचे देखा, पति पत्नी वो दोनों बूढ़े लोग ऊपर की तरफ झांक रहे, और वो लड़की औरत जो वहां कॉर्नर में थी, भाई वो तो मौजूद नहीं। अंकित नीचे देख रहा, वो ऊपर देख रहे, अब उन्होंने ऐसे उंगली की, उसके बाद हाथ में पता नहीं क्या था। अंकित जिस छत पर चढ़ा था ना, इस तरफ वो दीवार पर कुछ लिखने लगे। अंकित तो डर गया, भले ही अंकित काले जादू पर यकीन नहीं करता था, वो औरत की बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन अंकित को लगा कि भागना चाहिए, पता लग गया अब कोई परेशानी खड़ी ना कर दे, कंप्लेंट ना कर दे। फिर भी उन्होंने कंप्लेंट नहीं की, किसी को नहीं बताया। मकान मालिक तक ने अंकित से दोबारा बात नहीं की थी, अगर बात करनी होती तो अंकित के पास आ जाता। अगले दिन भी मकान मालिक नहीं आया था। अंकित को डर लगता रहा, लेकिन अंकित ये भी सोच रहा, जिसने छलांग ऊपर से लगाई थी वो औरत, वो लड़की जो भी थी, वो कहाँ गई। अब अंकित अगली रात फिर से छत पर चढ़ा, अब उसने सोचा था कि वो उस तरफ नहीं जाएगा, वहाँ कुछ गड़बड़ है भाई, नीचे कुछ ऐसे अगड़म बगड़म किया है काला जादू वही, तो मैं दूसरी तरफ जाऊंगा। अंकित छत पर दूसरी तरफ जा रहा, किसी ने कंधे पर हाथ रखा, जैसे उसके करीब पीछे से आया हो बताने के लिए, कंधे पर हाथ रखा तो अंकित चौंक गया। जैसे ही चौंक कर वो पीछे मुड़ा, पीछे कोई मौजूद नहीं। अंकित की हालत पतली हो गई थी, भाई किसी ने ऐसे ऐसे किया था और पीछे कोई खड़ा नहीं, इसका क्या मतलब, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पर है। अंकित की हिम्मत टूटी, भागा नीचे की तरफ। अब वो रात वो ऊपर नहीं गया। उसके बाद जैसे अगली रात उसे लगा कि मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, अचानक जैसे ही सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर की तरफ जा रहा, ऊपर खाली जगह जहाँ सीढ़ियाँ ख़त्म होती थी, वहाँ कुछ ईंटें पड़ी थी, उनके पार वो छत पर जाने का रास्ता था, वहाँ खड़ी एक औरत नज़र आई। भयानक सा चेहरा था, वो चढ़ रहा ऐसे सामने से नज़र आ गई, और जो अंकित था ऐसे चीख पड़ा। जैसे ही चीखा सामने से वो गायब। अंकित गिरने वाला था पीछे सीढ़ियों से, खुद को संभाला। अब जैसे सामने खड़ी थी, बिल्कुल रोशनी तो थी नहीं, लेकिन भयानक सा चेहरा नज़र आया। जैसे वो ऐसे गिरने लगा था, संभाला खुद को, वो गायब थी। अंकित पीछे नहीं गया, देखने के लिए ऊपर गया, ऊपर कोई औरत मौजूद नहीं। फिर उसे लगा कि ये भ्रम हुआ होगा, बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ इसीलिए मुझे ऐसा महसूस हुआ। अंकित छत पर कॉर्नर की तरफ जा रहा, अब उसे समझ में नहीं आ रहा, भाई हो क्या रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कॉर्नर की तरफ जा रहा था, सामने उसे वो औरत नज़र आ गई जो छत पर चढ़ी थी, जिसने अंकित को पहले कहा था कि ऐसे मत करना, ध्यान रखना, वो काला जादू करते हैं। वो औरत वहीं से कह रही, रुको नीचे आओ नीचे आओ। अंकित कह रहा, क्या हुआ। वो औरत कह रही कि नीचे आओ, जल्दी आओ। तो अंकित घूम कर, अब वो घर उस तरफ था तो वो घूम कर दूसरी तरफ से गया, वहाँ औरत मिल रही थी, औरत वहाँ खड़ी। अंकित उसके पास गया और कहने लगा कि क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया। वो कह रही, तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ हो रही है, तुम अपना ध्यान रखना, मुझे लगता है अब मुसीबत तुम्हारे ऊपर आ चुकी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अंकित ने पूछा कि क्या हुआ। उस औरत ने कहा कि तुम जहाँ कॉर्नर में होती हो ना, मैंने उस बूढ़े आदमी को देखा, घर से सीढ़ी लेकर आया, सीढ़ी लगाकर ऊपर गया था, और ऊपर जाकर ना कुछ बाल वगैरह ऐसी चीज़ें फेंक कर गया। अब वो जो काला जादू करता है ना, बड़ा भयानक करता है, अगर तुम्हारे ऊपर कोई काला जादू हो गया है, तुम्हें आत्माएं दिखनी शुरू हो जाएंगी, ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हें छू रहा है, धीरे धीरे तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा और तुम मारे जाओगे, कोई नहीं बचता, ध्यान रखना, अगर ये चीज़ें शुरू हो गई ना, फिर बचाना मुश्किल होगा, अपना ध्यान रखना। अंकित अब घबराया हुआ, अब अंकित को चिंता होने लगी और वो बक पड़ा
कहने लगा कि ऐसे मुझे एक औरत नजर आई, उसने छलांग लगाई थी, मैं कॉर्नर में गया, फिर किसी ने कंधे पर ऐसे किया और एक भयानक चेहरा भी नजर आया, छत पर कुछ ना कुछ हो रहा है। और वो औरत कहने लगी, अब तुम गए, ये बहुत बड़ी मुसीबत है, मुझ पर वो शक करता है, वो बूढ़ा आदमी मेरी पीछे वाली दीवार पर ना कुछ बना कर जाता है, मेरी हिम्मत नहीं है दीवार की उस तरफ जाऊं, और वो जो पीछे वाला कमरा है ना उसका हम इस्तेमाल नहीं करते, उस तरफ हमें भयानक दृश्य नजर आते हैं, और ये देखो मैंने बाबा जी का कलावा बांधा है, तब जाकर मुझे वो बुरी शक्तियां दिखनी बंद हुई हैं, वरना मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में थी, तुम्हें नज़र आ रही हैं, और अब जहां से मैंने कलावा बांधा था ना वो बाबा जी एक महीने के लिए विदेश गए हुए हैं, एक महीने में वो बूढ़ा आदमी उसकी पत्नी तुम्हें मार डालेंगे, कोई नहीं बचा पाएगा, ना पुलिस मदद करेगी, ना तुम्हारे कोई पड़ोसी, ना मकान मालिक जहां तुम रहते हो। मेरी बात मानो, एक तरीका है, अगर तुम मानो तो सिर्फ एक ही तरीका है। तो अंकित ने पूछा कि क्या तरीका है। उस औरत ने कहा, तुम्हें एक खास चीज करनी होगी, वो जो घर है ना जहां वो पति पत्नी रहते हैं, तुम्हें उस घर के अंदर जाना होगा, अंदर जाने के बाद तुम्हें वो काले जादू की एक जैसे गुड़िया बनाकर रखते हैं, बड़ी सी गुड़िया, अब अगर तुम्हें ये सब नजर आ रहा है, तुम्हारी गुड़िया उन्होंने बनाई होगी, मुझे बाबा जी ने ये बताया था, किसी तरह तुम घर के अंदर जाओ, तुम्हारी तो दीवार भी एक तरफ से सटी हुई है ना, दीवार के ऊपर चढ़कर किसी और की छत पर ऐसे निकलकर उस घर तक तुम जा सकते हो, अंदर जाकर तुम्हें गुड़िया मिलेगी जहां तुम्हारी तस्वीर लगी होगी, तस्वीर के ऊपर जादू करते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, बड़े भयानक है, सब डरते हैं, और पुलिस के पास कंप्लेंट क्या करेंगे, वो बेचारे बन जाते हैं, ऐसे कहते हैं कि हम तो बूढ़े हैं, हिल नहीं पाते, सारे पड़ोसी हमें परेशान करते हैं, तो वो बोलते हैं पुलिस वाले, जबकि छिप कर ये काला जादू करते हैं, बड़े भयानक है। तुम्हारे चेहरे वाली वो गुड़िया या तो तुम्हें उठानी होगी, काटनी होगी, तोड़नी होगी, ये सब करो, जिसके बाद तुम बच पाओगे, क्योंकि तुमने पैर रखा है, उन्होंने सीढ़ियां लगाई थी मैंने देखा, अब तुम वहां जा चुके हो, पैर रखा होगा तुमने, वहां कुछ सामान पड़ा होगा जिसके ऊपर तुमने पैर रखा होगा, मुसीबत में हो तुम, काला जादू तुम्हारे ऊपर है, काट दो उसे, बाबा जी ने यही बताया था, कलावा तो तुम्हें मिलेगा नहीं, वो मेरी सुरक्षा के लिए है, खास कलावा, बाबा जी ने खुद ये काम किया था घर के अंदर जाकर, अब बाबा जी नहीं है, ये काम तुम्हें करना होगा, बाकी किसी तांत्रिक के पास, किसी बाबा के पास जाओगे, इस मुसीबत का समाधान नहीं मिलेगा, मुझे बड़ी मुश्किल से मिला, घर के अंदर जाकर गुड़िया को काट डालो, गुड़िया को फेंक दो या उठा कर ले आओ, बड़ी सी गुड़िया बनाई होगी कागज की, ये काम तुम्हें करना होगा। अंकित घबराया हुआ, क्या करे इस मुसीबत में, अब वो पड़ चुका है, अब भूत उसे नजर आते हैं, ऐसे किया नजर आई है, और धीरे धीरे ये चीजें बढ़ेंगी और वो मारा जाएगा, और औरत ने कहा था ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास, यहां कई लोग मारे जा चुके हैं, ये पागल हो गए हैं बूढ़े, मरने से पहले लोगों को मार कर जाएंगे, सारा पड़ोस खाली करके जाएंगे। अब अंकित डरा हुआ, उसने कहा तुम्हें ऐसा करना होगा, ध्यान रखना, वो तुम्हारे ऊपर नजर रखते हैं, लेकिन दूर से घूमकर पीछे वाली दीवार से उनके घर के अंदर जाने का रास्ता है, ये कोशिश करो, उन्हें शक तक नहीं होगा, ध्यान रखना, वहां से झांकना, दोनों बाहर जाते हो, बूढ़ी औरत नीचे हो, तब वहां पर जरूर जाना। अंकित सोच में पड़ा हुआ, घबराया हुआ, 12 बजे का वक्त था, छत पर चढ़ा हुआ, अब ओवर थिंकर वो था, जिस चीज के बारे में सोचा करता था, सोचते सोचते दिमाग घूमने लगता, फटने को आ जाता, जिंदगी के बारे में सोचता, ट्रेडिंग के बारे में सोचता, तो वो सोल्यूशन निकालता था, काले जादू का सोल्यूशन बता तो दिया है, करना तो होगा, 2 घंटे में मन बनाया, जो हो जाए ये काम करना है, भाई लोहे की रॉड लेकर जाऊंगा, रोकेंगे तो मैं मारूंगा, मुंह ढक कर जाऊंगा, पता नहीं लगेगा। अंकित चढ़ा छत पर, जा रहा अब आगे की तरफ, वो एक संकरी दीवार थी, दूसरी तरफ किसी और का घर, अब दीवार के ऊपर से थोड़ा पैर रखते हुए जैसे ही बीच में वो पहुंचा, अब किस्मत थी अंकित की कि वो जो घर वाले थे ना उस समय छत पर चढ़े हुए, बच्चा था शायद फुटबॉल लेकर, रात के 12 बजे, अब फुटबॉल लेकर छत पर था, वो चिल्लाने लगा कि चोर चोर चोर, इतने में उस लड़के का जो बाप था ना वो भी दूसरी तरफ, वो भी एक तरफ आ गया। अंकित के लिए मुसीबत देखिए कि वो जो घर था ना अब थोड़ा दूर था, कोई 5 फुट दूर, अब पीछे अपने उस घर तक जाने का रास्ता 6-7 फुट दूर,
अब इधर बीच में वो फंसा हुआ, इधर जाता या उधर जाता, घबराया हुआ, अब गलती नहीं कर सकता था, वहां से नीचे गिरता तो ध्यान से बचता हुआ करने लगा। वो आदमी भागता हुआ आया और उसने अंकित की टांग पकड़ ली। अंकित बचने के लिए थोड़ी कोशिश जरूर कर रहा और वो चाहता नहीं था कि चोट लगे उस आदमी को। चोर चोर कह रहा है, मैं धक्का दूंगा, कहीं गिर जाए, सर खुल गया तो मुसीबत बढ़ जाएगी। तो उसने ऐसे कहा कि मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं। वो आदमी पकड़ने की कोशिश कर रहा, अंकित ने कहा मैं चोर नहीं, चोर नहीं। अब उस आदमी ने बहादुरी से अंकित को पकड़ा, अब नीचे गिरने नहीं दिया, आराम से नीचे उतारा और कहा, पागल हो गया तू, पागल है, रुक, मुझे पता है तू चोर नहीं है, रुक जा यहां पर, जिंदा रहना चाहता है तो रुक जा यहां पर। अब अंकित का उसने मास्क उतारा जो मुंह ढका हुआ था और कहा कि तू तो वहां पर रहता है ना, नया आया है। अंकित की सिट्टी पिट्टी गुल थी, एक तो काला जादू, ऊपर से ये चोर वाला पंगा पड़ गया, भाई इसके बारे में तो सोचा नहीं था, बच्चा चोर 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 कह रहा। उस आदमी ने तो पकड़कर अंकित को थोड़ा समझाया कि रुक जा, मुझे पता है जिस घर में तू जा रहा है तू चोरी करने के लिए नहीं जा रहा, लेकिन तेरे साथ जो हो सकता है वो तू नहीं जानता। अंकित को समझाया, अंदर लेकर आया, पानी पिलाया, क्योंकि अंकित को एक दो बार उसने देखा था, अब चोरी चकारी की घटनाएं यहाँ नहीं होती थी तो वो थोड़ा सा समझदार था आदमी। लेकिन अंकित को जो बताया, अंकित के होश उड़ गए। उसने बताया कि जिस घर में तुम जा रहे हो ये सोच कर जा रहे हो ना, काला जादू तुम पर हुआ है और तुम उससे बचोगे, उस घर में कुछ है जिससे काला जादू काटा जाएगा, खत्म होगा। अंकित ने नजरें झुकाई और कहा, आप इस पर यकीन करते हैं? उसने कहा, हाँ यकीन करता हूं, तभी तुम्हें बता रहा हूं, जिस घर में तुम जा रहे हो बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी काला जादू करते नजर आते हैं, उन्हें मरे हुए 8 साल हो चुके हैं, 8 साल पहले मरे थे, लेकिन उस घर में नजर आते हैं, और वो अकेले नहीं मरे थे, उस घर के साथ वाला, वो टूटा हुआ घर, वहां उनकी बेटी रहा करती थी, तीनों काला जादू करते थे और बहुत लोग उनसे परेशान थे, लेकिन वो किसी और को परेशान नहीं करते थे, वो कुछ ऐसा करते थे जो सबकी समझ से बाहर था, वो काले जादू से जैसे खुद को जिंदा रखना चाहते थे या ऐसी कुछ बातें करते थे धीरे धीरे, जो बूढ़े आदमी उन्हें जानते थे वो कहने लगे कि ये पागल हो चुके हैं। अब यहां पर एक बार ऐसा कांड हुआ ना, सारे इलाके वाले हिल गए, वो पति पत्नी, वो बूढ़ा आदमी, उसकी पत्नी और उनकी जो बेटी थी, एक एक करके वो मरे थे। सबसे पहले बूढ़ा आदमी मरा, लोगों को लगा कि इन्हें दुख लगा होगा, कुछ ना कुछ हो गया, कुछ गलत खा लिया था, लेकिन घर में शोक का कोई माहौल नहीं, वो तो खुश थे, माँ और बेटी खुश। जिसके बाद वो बूढ़ी औरत मारी गई, उसका शरीर नीला फिर गया, जहर के कारण होगा, और पुलिस वहां पर आई थी, लेकिन अगली रात वो लड़की भी मारी गई, उनकी बेटी। और जो अंकित को नजर आती थी ना, वो आगे वाले घर पर छत पर, वो आंटी जो समझाती थी कि वो काला जादू करते हैं, ये सब करते हैं, वो भी जिंदा नहीं थी, वही तो फंसाती थी यहां पर लोगों को, उनके मरने के बाद घर के अंदर लाना, 3 लोग घर के अंदर जा चुके थे, तीनों पागल हो गए, घर के अंदर क्या हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन उन्हें कुछ याद भी नहीं, जिंदगी की बातें तक याद नहीं, और पागलों की तरह हरकतें करते हैं, तीनों पागल खाने में हैं, और अगर अंकित उस घर में जाता शायद वो भी पागल हो जाता। सोच अंकित ये रहा था कि क्या होता है उस घर में जिससे सब पागल हो जाते हैं, कुछ ऐसा नजर आता होगा कि दिमाग को हिला कर रख देता है। अंकित बहुत ज्यादा घबराया था लेकिन जिंदा बच गया था। उसके बाद वो घर से बाहर नहीं निकला, छत पर नहीं चढ़ा, जैसे कि वो चौल की तरह था, कई परिवार रहते थे, छत पर कोई नहीं चढ़ता था, कोई भी नहीं, इतनी दूर घर था उनका, फिर भी छत पर कोई नहीं चढ़ता था, क्योंकि हालात कभी भी बेकाबू हो सकते थे, दूर दूर तक वो बूढ़ा आदमी, उसकी पत्नी नजर आते थे और जाल बिछाते थे जैसे लोगों को घर के अंदर लाने के लिए, जबकि वो जिंदा नहीं थे, किसी किसी को नजर आते और जिसको नजर आते वो मुसीबत में होता, लोग भागते। अंकित बच गया और ये उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी घटना थी, जिसके बाद उसने घर बदला, इलाका बदला, भाई निकलो वहां से, वहां तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, कोई बाबा भी कुछ नहीं कर सकता, हालात ऐसे थे।
घर तो बंद था, रात के वक्त खुल जाता और वो फंसाते मुर्दे। तो दोस्तों आप सोचिए, अगर आपको ऐसे पड़ोसी मिले, आपको लग रहा हो पागल हैं, क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे हालात बदलने लगे और अंत में झटका लगे कि भाई ये तो जिंदा नहीं है, मुझे नजर आ रहे हैं, किसी और को नजर नहीं आते, और जो आपको लग रहा था आपको बचाना चाहता है वो आपको फंसाना चाहता हो। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसी ही कहानी अगर आपको सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।